पागल और अच्छी चलेगी। इनमें से कौन सी साइज चलनी है? छोटी सी क्लिप लेनी है, मटर की लाइट चाहिए। वापस चले जाते हैं वो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल फैमिली ब्लॉग्स। और आज है सोमवार, तो हर हर महादेव। ऑल्सो देखना ये मेरी फुंसी कैसे हो गई है यार, पता नहीं अपने आप ही ऐसे हो रखी है। और दो दिन मौसम ठीक रहा, आज फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने बनाई अपने लिए एक कप कॉफ़ी, क्योंकि मेरा और कुछ खाने पीने का मन हो नहीं रहा अभी। सो पूजा पाठ हो चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, आज मैं करने वाली थी वायरल चिया सीड फेस मास्क यूज। मैंने को भी देखना था इसका कैसा रिजल्ट आता, क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने लिए 2 चम्मच चिया सीड, उसको मैंने रॉ मिल्क में कर लिया था मिक्स, और उसको मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया था। 20 मिनट के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हनी मिलाना था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया था शहद, और फिर इसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था। उसके बाद इसको मैंने जब अपने फेस पर लगाया, जो मेरे से बहुत मुश्किल से लग रहा था, एक बार मुझे मेरे से लगा ही नहीं, पता नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इसको मैंने अपने फेस पर लगाया। जब मैंने इसको अपने फेस पर लगाया और उसके बाद इसको मैंने 20 मिनट के लिए फिर से छोड़ दिया अपने फेस पर, और इससे आगे की कहानी अब मेरे मुंह से ऐसे ही सुन लीजिए। पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा कि इसका कुछ रिजल्ट होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो हियर इज माई रियल स्किन आफ्टर ये मास्क लगाने के बाद। सो ये तो मेरी कुछ फुंसियाँ हो गई थी, ये तो मैं 2-3 दिन से आपको दिखाई दी थी। बाकी अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ अबाउट दिस मास्क, जितना इसका सोर है ना, वैसा इसका कुछ रिजल्ट नहीं है। अगर आप मेरे फेस पर देखोगे ना, तो ये मेरी स्किन टोन ऐसी ही है, थोड़ी सी टैन हो रखी है अभी इस वक्त, तो वो वैसे ही है। इतना तो मैं मुंह धो लेती हूँ तो भी हो जाता है, तो इससे मेरे को कोई ऐसा एज मच, मतलब एक्स्ट्रा जैसा इसका शोर मचाया हुआ है सारी जगह पे कि ऐसा है ये वैसा है, वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कोई रिजल्ट मिला नहीं इसका, मेरी स्किन ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी है। अब वो तो मैं थोड़ा सा मुँह धो लेती हूँ, उसके बाद भी ऐसे हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल फैमिली ब्लॉग्स। कैसे आप लोग आए हो, कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे करीब 9:30 बजे, क्योंकि आज सुबह का काम मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सुबह का काम खत्म कर दिया। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा, वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा धो के करेंगे अपनी पूजा पाठ ये नीचे का झाड़ू पूजा करने के बाद। वैसे ना मेरा ये मन था कि मैं मतलब कि परसों से, आज 1 तारीख हो गई, तो परसों से मेरा ये था कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो वो कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं उससे पहले, क्योंकि फिर मैं 9 दिन व्रत रहूँगी तो मेरे से होगा नहीं, मेरे को वीकनेस तो हो ही जाती है यार। बट ठीक है, नहीं हो पाया आज, नहीं हो पाया पूरा घर, और कल तो पूरा घर साफ हो नहीं सकता, क्योंकि 4 कमरे हैं, हॉल आई है, मतलब ऊपर नीचे बहुत कुछ है साफ़ करने के लिए। ऊपर से ये काफ़ी दिन साफ हुआ नहीं है, बारिश के टाइम में सीलन भी आ गई है, तो हमारा ये भी था कि बहुत अच्छे से साफ़ करना, डीप क्लीनिंग वाली चीज़ है इस बार, तो वो नहीं कर पाएंगे, और कल तो मेरे से हो नहीं सकता, तो अब मुझे नवरात्रि में ही सारा घर एक एक करके साफ़ करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपना नीचे का घर साफ़ कर लूँगी जल्दी सुबह का काम खत्म करके, लेकिन हो नहीं पा रहा वो आज। सो होपफुली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे। अभी चलते हैं नहाने, और मेरा इस बार मन भी था कि मैं छोटी सी माता रानी लेकर आऊँ, बट फिर मैंने वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया। अगर फिर भी मेरा मन हुआ तो मैं ला सकती हूँ, तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, बट
फाइनली हमारे श्राद्ध है वो खत्म होने वाले हैं, यानी कि पितृपक्ष खत्म हो जाएगा कल 2 को और 3 से हो जाएंगी नवरात्रि शुरू। तो कल हमें एक आखिरी पंडित खवाना है, कल है अमावस और अमावस को एक पंडित खिलाना है हमें। कल थोड़ा सा काम हो जाएगा, परसों से तो मेरा व्रत है ही है तो परसों से भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। इसी के साथ इतनी सारी डिटेल्स दे दी मैंने आप जो आपको, अपने ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे और स्टेडियम। और अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त की शादी है तो उसकी शॉपिंग के लिए हम जा रहे थे। और ये देखिए ये हैं मेरे ब्लॉग के फैंस, यानी कि जो मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, और ये है मेरा सबसे छोटा एंड क्यूट ब्लॉग फैन जो मेरे ब्लॉग्स देखता है और मुझे पहचानता है मेरे ब्लॉग से। सो ये भाभी मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हैं, ये कविता के रिलेटिव हैं और मेरे ब्लॉग सारे देखती हैं, ऑल्सो ये मेरे ब्लॉग पर कमेंट करती हैं। सो इनके मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान जी तो रहते ही हैं, जाते ही नहीं है। तो इसके बाद हम पहुंच गए अपनी साड़ियों की दुकान पर, जहाँ हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी जिनको देखे हमें इतना परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैं थोड़ी सी साड़ी हमने ले ली और कुछ हमने अपने आगे के टाइम के लिए छोड़ दी। उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और करता ही कुछ दोस्त थी, कॉलेज दोस्त, जो कि हमारा वेट कर रही थी, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए पहुँच गए थे हल्दीराम, जहाँ पर हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया। मुझे मीठा पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैंने बहुत टाइम से मीठा नहीं खाया और मेरा व्रत भी शुरू होने वाली, मैंने मीठा खाया। उसके बाद हम लोग गए थे पार्लर की बुकिंग करने के लिए कविता के लिए, क्योंकि इसके बाद उसका भी व्रत है और मेरा भी व्रत है तो हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे 9 दिन के लिए। तो हम लोगों ने कविता की एक पार्लर की बुकिंग की और उसके बाद हम लोग आ गए घर पर। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म।